top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. देखिए आज जो आप लोगों को गुस्सा देख रहे हैं, ये 42 डिग्री टेम्परेचर में चिलचिलाती धूप में ये लोग खड़े हैं और इनको सिर्फ वादा खिलाफी मिल रहा है। ये बिल्डर बेपरवाह हैं, इनको बायर्स का बिल्कुल भी चिंता नहीं है। 2010 में इन लोग फ्लैट बाय किए हैं। अब देखिए सबकी एज, देखिए सब यंग एज के हैं, सब EMI देते हैं बैंक को, इनके कोई ये फर्स्ट होम है, सबने फर्स्ट होम बाय किया। ये नहीं कि इनको ऑलरेडी एक घर पहले से रह रहे हैं और एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन्होंने दूसरे घर को ले लिया, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये रेंट दे रहे हैं, EMI दे रहे हैं, बच्चों के स्कूल फी दे रहे हैं। 30,000-40,000 एवरेज कमाने वाले लोग हैं, लेकिन इनके सुनने वाले कोई नहीं। आज अथॉरिटी जो नाटक कर रही है, विद नौटंकी दिखा रही है कि हम प्रोजेक्ट घूम रहे हैं। ये अथॉरिटी पास जब हम जाते थे 2012 में और 13 में, तो ये बोलते थे हमारे अंदर आती ही नहीं है। आज ये अथॉरिटी कैसे घूमने लगे? अब मैं बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट जीरो आएगा। ये तो सिर्फ आईवास है, अथॉरिटी सिर्फ घूम रही है, कुछ भी नहीं करने वाली। इन बायर्स का कोई भी नहीं सुनने वाला है। इसी तरह चिलचिलाते धूप में आते जाएंगे। 2010 में तो 2013 बिक गया, 2016 बिक जाएगा, 2020 में मुझे लगता है आप भी हम लोग को फिर यही पाएंगे, यही धूप में चिलचिलाते लेते हुए, क्योंकि ये बेपरवाह हो चुके हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हितेश है जी। हमारा मैं मतलब हमारी सब सारे बायर्स की तरफ से क्लियर मैसेज है अनिल शर्मा को और पूरे आम्रपाली ग्रुप को, हमारे पास अब पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस लेवल खत्म हो चुकी है। उनको बाहर आना पड़ेगा, हर एक बायर को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप इनके कंस्ट्रक्शन का पेस देखेंगे, एक साल में एक फ्लोर खत्म करते हैं, एक साल में एक फ्लोर। अभी आप इनका ये देखिए, आप इनकी हेल्पलाइन देखिए, हेल्पलाइन पे अगर आप कॉल करेंगे आपको बोलेंगे कि मैं आपको 7 दिन के अंदर आपका ये जॉब दे दूंगा। आप वो बॉदर नहीं करेंगे आपकी ईमेल्स को रिप्लाई करने के लिए, वो बॉदर नहीं करेंगे आपके फोन को उठाने के लिए, वो किसी भी चीज के लिए कोई जवाबदारी नहीं है। आज हम इसीलिए यहाँ खड़े हैं ताकि हम इनको इनके वन टू वन इनसे बात करें और इनको सबको एक एक बंदों को जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी अपने फ्लैट के लिए दिया है उनको जॉब देना पड़ेगा। हमें आदत नहीं है इनकी तरह काला बाजारी करने की। ये एक पैसा उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में डालेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट का पैसा तीसरे प्रोजेक्ट में डालेंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, नहीं। हमारी जीवन की जमा पूंजी जितनी भी हमने की थी सारा उठा के हमने अपने फ्लैट में डाल दी है। आज की डेट में हम रेंट भी पे कर रहे हैं, EMI भी पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं। ये क्या पे कर रहे हो, हमें क्या मिल रहा है? नथिंग।